सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन का कोई सूत्र नहीं है, तुम अनूठे और अद्भुत हो, किसी और से अपनी तुलना करना व्यर्थ है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रुठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंक लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। आज का पंचांग 19 अगस्त 2020 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह 8:11 तक रहेगी। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र रात्रि 2:07 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:30 से 2:05 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी सिंह राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 19 अगस्त 2020 दिन बुधवार, आज आप कल्पनात्मक रहेंगे। कार्यस्थल की ओर से किसी अन्य स्थान की यात्रा का मौका मिल सकता है। आपकी रोमांटिक प्रवृत्ति उजागर होगी। अपने आप को थोड़ी ढील देने का दिन है, लेकिन काम में व्यवहारिकता भी दिखानी होगी। साथियों के साथ अच्छे मूड में रहेंगे। अपनी मेल देख ले, कोई महत्वपूर्ण मेल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा। अपने संबंधियों से मिलना घर के वातावरण को खुशनुमा और सुखद बनाएगा। किसी नजदीकी व्यक्ति की सगाई संबंधित कोई बातचीत भी बन सकती है। आज आपके लिए दिन थोड़ा विवाद या बहस वाला हो सकता है। जीवन साथी से किसी मामले में बहस हो सकती है या दोस्तों के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है। छोटी छोटी बातों को दिल पर ना ले। परिस्थिति आपके अनुसार नहीं होगी, परंतु इतनी बुरी भी नहीं कि आपको कोई परेशानी हो। व्यर्थ चिंताओं में आज का दिन खराब ना करें। अपनी ऊर्जा और आइडियाज को उचित दिशा में लगाएं। पुरानी बातों को सोचने से कोई लाभ नहीं है। करियर में जल्द ही परिस्थितियों में बदलाव आएगा। कुछ पुरानी चीजें छूट सकती है। सावधानियां, मौज मस्ती के साथ साथ घर की समस्याओं तथा परिस्थितियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बच्चों की परेशानियों के समाधान में उनकी मदद करें। भूमि संबंधित किसी भी प्रकार का काम आज स्थगित ही रखें। लव लाइफ की बात करें तो आपको अपने सभी विकल्पों में से सर्वोत्तम ढूंढने में उलझन महसूस होगी, परंतु अच्छे फैसले ले पाना कभी आपकी सहज योग्यता नहीं रही, लेकिन आपकी बात यह कर पाएंगी। सही विकल्प चुनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल अपने दिल की बात सुननी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है उसे चुनना जिसका दिल बड़ा है, और यह पता लगाना कि जो सिर्फ इसका दिखावा करते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। करियर की बात करें तो आज आप एक आमंत्रक की भूमिका में रहेंगी। एक मेजबान की जगह एक आयोजक की भूमिका में रही। आप दोनों ही मामलों में अच्छी राशि पाएंगे, परंतु एक आयोजक की भूमिका लाभप्रद होगी। यह आपकी जन्मजात क्षमताओं में से एक है, सिर्फ आप उसकी पहचान नहीं कर पाए थे। दांपत्य जीवन कुछ तनावग्रस्त रहेगा। आपकी परेशानियों में घर के व्यक्तियों का पूरा सहयोग मिलेगा। सेहत की बात करें तो आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक है और आपको यही जादू बनाए रखना है। इसके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम करना है।
आपका दिमाग भी काफी तेज और सक्रिय है। अपने दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें, आपको अप्रत्याशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट आ सकती है। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को मोदक चढ़ाएं।